मोटरसाइकिल स्पीड में जा रहा है भाई, अलग ही मजा आ रहा हूँ भाई 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 भाई, 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 भाई। तो गाइस ये बार बार सिग्नल विग्नल तोड़ फोड़ के आ जा रहा है, तो फिर से ट्रैफिक में फंस गया। अरे ट्रक है बे, साइड हो। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए कोलकाता के सबसे बिजीएस्ट प्लेस, मेरे को जाना है कका, साइड दो। सो गाइस नंदिनी दीदी मिल गई। तो नंदिनी दीदी कतक्षण लागबे सब्सक्राइबर्स के किछु बोलबे? काको हिंदी बोलते पारो? बंगाली थाली कत करे काको? बंगाली थाली काकू भी एकदम भैया आगरा से आया नंदिनी दीदी और से मिलने। तो काकू ये उम्र में भी काम करके कैसा लगता है? ये उम्र में भी काम करके सबसे ज्यादा फेमस नंदिनी दीदी है, मेरे को तो गलत गुस्सा नहीं भाई। बाय, बहुत अच्छा लगा आज मेरे आपसे। और बिहेवियर कैसा लगा? बहुत अच्छा। एंग्री था ना? Hey you guys, जय हिंद, नमस्ते। मैं हूँ रितेश और आप लोग देख रहे हो आरबी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के ब्लॉग में ना बहुत 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 मजा आने वाला, क्योंकि गाइज आज के जो ब्लॉग में ना हम लोग वेस्ट बंगाल के या इंडिया के बोल सकते हैं सबसे फेमस स्ट्रीट फूड शॉप में जा रहे हैं, नंदिनी दीदी का शॉप में। भाई बहुत ही तगड़ा होगा। सो गाइज मेरे साथ ये भी है, देख सकते हो, दिखा दो अपना मुख। सो गाइज उधर जाएंगे, बहुत ही मजा करेंगे आज। सो मजा आएगा, आप लोग को देखते रहो ब्लॉग। गाइज चलते हो, निकलते जाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा मतलब इधर से 8 किलोमीटर दूर है। सो गाइज हम लोग को थोड़ा आराम आराम से जाना होगा, क्योंकि भाई बहुत तेज़ धूप भी है और इधर से 8 किलोमीटर दूर भी है, तो थोड़ा देर भी लगेगा। सो चलो रास्ता का मजा लेते, देखते रास्ते पे क्या होगा। सो गाइज देखते जो भी होगा मज़ेदार होगा, देखते रहो ब्लॉग, मज़ा आएगा आप लोगों को। सो गाइज देख सकते हो लेक टर्न क्लॉक टर्न आ चुके हैं गाइज, और इधर से अभी दूर है तो भी इधर से भी 8-9 किलोमीटर दूर है, तो गाइज जाना तो पड़ेगा। भाई तगड़ा हुआ, तगड़ा राइड हुआ भाई, तगड़ा वाला भाई, अलग ही टफ राइड हुआ भाई, एकदम डाउन स्केल था, मजा आ गया भाई। तो गाइस ये बार बार सिग्नल विग्नल तोड़ फोड़ के आ जा रहा है भाई, रास्ता ये मानिकतर लगा भाई। ऐसा मत कर भाई, गिर भी जाएगा, मतलब गाड़िया देखो मतलब आसपास में हॉस्पिटल नहीं है, भर्ती कर लेगा। बड़ा बात है, बड़ा बात है, सामने देखो, सामने देखो। फिर से ट्रैफिक में फंस गया। अरे ट्रक है बे, साइड हो, साइड हो, क्या कर रहा है? रेलगाड़ी जगह पे पहुंच गए, रेलगाड़ी चुप चुप चुप। तो भाई ट्रेन में चढ़ जा, ट्रेन में चढ़ जा, एकदम फ्लाइंग जेट सुन। इतना देर डाउन जा रहा था, अब साला अप से जा रहा है गाइस, देखो अब ऊपर चढ़ रहा है भाई, भूत पैर दुख रहा है यार। ये क्या कर रहा है? अरे भाई, अरे भाई, वाओ फकिंग हार्ड, वाओ, आई लाइक इट, लाइक इट ब्रो, लाइक इट। हम भी अब फुटपाथ पे आ गए क्या भैया? अभी हम लोग पहुंच गए कोलकाता के सबसे बिजीएस्ट प्लेस, मतलब एस्प्लेनेड साइड भाई। तो इधर मतलब इतना भीड़ होता है ना, इतना भीड़, मतलब देखो हर जगह पे भीड़ ही भीड़ दिखेगा। नहीं का मेरे को कोई शौक नहीं है सब जगह पे भाई, बहुत भीड़ लगता है और एकदम पसंद नहीं भाई इधर, मतलब हर एक एक सेकंड में एक एक एक्सीडेंट होते हैं इधर, इतना भीड़ होता है लगता मतलब कहाँ घुस गए भाई। देखो हर जगह पब्लिक 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 पब्लिक, खत्म ही नहीं होता पब्लिक यार। तो देखो जहाँ जा रहे हो मतलब रास्ते से साइकिल तक नहीं निकल। अरे कका साइड दो, देखो जाना है कका साइड दो, चाचा चाचा साइड दो, साइड दो, चाचा चाचा। सो गाइस नंदिनी दीदी मिल गई। नंदिनी दीदी कतक्षण लागबे? सब्सक्राइबर्स के किछु बोलबे? काकु केमन आछो? काकु अनेक फेमस यूट्यूबर। काकु हिंदी बोलते पारो?
गाइस अंकल भी हिंदी बोल पाते एकदम। तो काकू कत लागे खाव एक बेंगली थाली, बेंगली थाली बंगाली थाली कत करे काकू? बंगाली थाली जो भेज है वो 50 रुपया का है। हाँ, ऐसा आपको 30 का भी है ऐसा? क्या बढ़िया था गुरु। 30 और 50 का है। और नॉन वेज में है वेराइटीज किस्म का है, जैसा 130 चिकन, चिकन राइस हो गया है। आप तो वेज थाली 200 ले लें। ठीक है काकू, 200 वेज थाली लेंगे। हाँ, उधर जाके बैठिए। ठीक होगा, दो प्लेट बंगाली वेज थाली मतलब ऑर्डर किए। सो गाइस बहुत मजा आएगा, इसमें देखते क्या होता है। सो देखते रहो, थोड़ा सा बिस्किट मत करो, पूरा ब्लॉग देखना कंटिन्यूस। देखो गाइस खाना छोड़ा फिर से, तो यह पेट बढ़िया पूरा नहीं होता तो ऐसा क्यों भैया आगरा से आया नंदिनी दीदी से मिलने। तो भैया आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा फूडी भीम के नाम से है, FOODY और BHWM। क्योंकि सब लोग ना FOODY डाल देते हैं तो उससे चैनल मिलेगा नहीं आपको। तो चैनल का नाम भैया बोल दिया, सो मेरा लिंक में भी मिल जाएगा। और भैया को सपोर्ट करो फुल पावर पे। हाँ यार, सपोर्ट करो, देखते रहो। बहुत दूर से आए, आगरा से आए भैया, सोच रहे गाइस आगरा से, और हम लोग साइकिल से आए, हम लोग भी दूर से आए भाई। सही, ठीक है भैया, मिलते हैं बाद में। ओके भाई। तो गाइस नंदिनी दीदी आज बहुत बिजी है। तो गाइस इधर और भी भैया लोग आए हैं ब्लॉग व्लॉग बनाने। तो भैया आपका चैनल का नाम क्या है? तो भैया और भैया कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। दिल्ली से आए गाइस। और आप कहाँ से भैया? दिल्ली। मतलब खाली इसका ही ब्लॉग बनाने या और भी बहुत चीज़ें? ब्लॉग ब्लॉग्स ना। हाँ जी, दो আমি হাত জোর করছি দাদা, আপনার এদিকে আসুন। আমি আসি না, আমি সাইড দিয়ে काम करने में मजा आता है, कोई भी काम ये काम नहीं है। तो अंकल बहुत मेहनती है, सबसे मतलब मैं जब से आया तब से देख रहा हूँ अंकल को, मतलब बहुत हार्ड वर्क कर, मतलब इतना हार्ड वर्क करें मतलब कुछ बोलना नहीं। आंटी भी बहुत मेहनत करी तब से। नहीं नहीं, 2 मिनट फ्री होके फिर बाद में आना। तो गाइस नंदिनी दीदी के इधर आए थे हम लोग, 2 प्लेट वेज प्लेट खाए, तो 50-50 रुपीज़। तो कैसा लगा तेरे को? ये भी वेज प्लेट खाया था भैया, आप क्या खाए थे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मतलब इधर कुछ नहीं खाया? नॉन वेज खाता नहीं। नहीं वेज भी तो, वेज खाली भी है। थोड़े चावल से खाए थे। तू बोला नहीं क्या अच्छा लगा या कैसा लगा? अच्छा लगा खाना। अच्छा लगा तो चावल तो बढ़िया था। इधर मोटा मोटा चावल होता है बंगाल में ना, थोड़ा मोटा उसी मोटा मोटा चावल आता है। देखो इधर पे तमिल में मिलता है इतना इतना मोटा मोटा, इतना मोटा चावल खाया हूँ मैंने। वैसा गले टूटता ही नहीं है, पानी डाल डाल के डाल गले के नीचे। इतना कष्ट नहीं करेंगे खाने के लिए। गाइस एंग्री अंकल हो गए। तो यू गाइस देख सकते हैं हम लोग के साथ कोलकाता में सबसे ज़्यादा फेमस नंदिनी दीदी है। सो बहुत दूर से आ गए हम लोग के साइकिल लेके, नंबर 1 क्या कैसा लगा? हम लोग देखे थे दीदी को, दीदी मतलब उधर की दीदी मतलब बहुत। और दीदी आपको एंग्री कर लोग बोलते हैं क्या बोला था? मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं था एंग्री दीदी को, ठीक है और इंस्टाग्राम में दीदी को आप लोग बहुत देखते होंगे, हम लोग भी देखे थे। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था दीदी एक बार इको पार्क भी आएगी, इको पार्क भी आ पाया था ना बाइक से, हम देखा था
हम मतलब उस समय था लेकिन हमसे देखिए दीदी से बात नहीं करके उस समय फिर हमसे क्या वापस आए। सो दीदी से मिलके गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दीदी मतलब उतना भी मतलब डेंजर नहीं है, मेरे को तो गाइस गुस्सा नहीं थी दीदी। हाय हाय इतना सुकून। तो गाइस दीदी से मिलके आज बहुत अच्छा लगा। तो गाइस दीदी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। सो दीदी हम लोग के सब्सक्राइबर्स को क्या बोलना चाहोगे? सब्सक्राइबर को यही बोलेंगे कि इनका ये चैनल है ना, क्या चैनल को दीदी को कोई एंग नहीं मत बोलो, बोलो बोलो कोई। ठीक है दीदी मिलते हैं फिर वापस, सपोर्ट करो। बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आज मिलकर आपसे, बहुत दूर से आए तो बाय बाय। तो गाइस नंदिनी दीदी के उधर से तो आ गए और बहुत ज्यादा मजा आया था उधर, और आप लोग तो देखे होंगे नंदिनी दीदी के साथ बहुत सारे बातें बातें किए। तो चलो गाइस उससे आगे पूछते उसको कैसा लगा, तो चलो उसका रिव्यू लिया जाए। उसको तो भाई मतलब उतना अच्छा खाना नहीं लग रहा था क्योंकि भाई वो उतना वेज वेज उस तरीके का नहीं खाता, मेरे को भाई बहुत पसंद आया और ऑनेस्टली भाई बहुत अच्छा लगा। दीदी का बिहेवियर भी मतलब ख़राब तो नहीं था, इतना लोग बोलते ऐसा तो नहीं था। दीदी के उधर जाके और बिहेवियर कैसा लगा? बहुत अच्छा। एंग्री था ना? देख ले सच बोल रहे अभी सही है, बिल्कुल एंग्री था। मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मिला ना, बस अभी तक इंस्टाग्राम और में देखा होगा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं गाइस श्री भूमि। सो गाइस अभी आप लोग को ये वाला रास्ता खाली दिख रहा होगा, कुछ दिनों बाद ना ये वाला रास्ते में बहुत 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 भीड़ होने वाला है और बहुत इतना ज़्यादा क्राउड होगा ना, आपको इस रास्ते पे एक कदम पैर रखने का नहीं होगा क्योंकि इधर भाई डिज्नीलैंड बनने वाला है दुर्गा पूजा में। तो वो भी आप लोग को मेरे ब्लॉग में देखने मिल ही जाएगा, मैं भी आऊँगा ब्लॉग करने। तो गाइस भाई अभी घर जा रहा है, तो बाय 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 बाय। सो गाइस क्या बोलना चाहेगा, कितना व्यू आना चाहिए इस ब्लॉग पे? 1 लाख। 1 लाख बहुत बड़ा डिमांड कर दिया और आप लोग पूरा कर रहे हैं गाइस इसका डिमांड, 1 लाख भी खाना चाहिए। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज सब लोग आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज नंदिनी दीदी के शॉप पे भी गए तो उधर भी बहुत मज़ा आया हम लोगों को, और हम लोग के साथ एकदम भी एंग्री नहीं थे और बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट भी की है मेरे को और बहुत सिखाई भी क्या करना चाहिए। वो मैं ब्लॉग में तो सब कुछ नहीं डाला लेकिन एक्चुअल में मेरे को बोली है बहुत चीज़ जो मेरे को करना चाहिए थी। तो उम्मीद करते हैं आज सब लोग आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक किए रहें, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।